अस्सलामुअलैकुम, आज मैं बनाने वाली हूँ चाइना ग्रास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हम नोट डाउन कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध, 1 कप चीनी, 2 पैकेट मैंने यहाँ चाइना ग्रास के यूज़ किए हैं, 1 ये सादा वाला और दूसरा चाइना ग्रास का पाउडर है जो कि पिस्ता फ्लेवर का है। और गार्निशिंग के लिए मैंने लिए कुछ काजू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पैन में मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है। दूध को मैं एटलीस्ट 10 मिनट तक बॉईल करूंगी ताकि वो पूरी तरह से पक जाए। और ध्यान रखिए कि इसे बीच बीच में स्टर करते रहे ताकि दूध नीचे से जल ना जाए। जैसे ही दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो अब इसमें मैं ऐड करूंगी शुगर। और शुगर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और एक लास्ट बॉयल आने देते हैं। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाए तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसे ठंडा होने के लिए अब साइड में रख देते हैं। अब एक पतीली में मैंने आधा ग्लास पानी लिया है जिसमें मैंने प्लेन वाला चाइना ग्रास ऐड किया है और इसे डिजॉल्व होने तक अच्छे से पकाना है ताकि पूरी तरह पानी में डिजॉल्व हो जाए। देखिए ये पूरी तरह डिजॉल्व हो चुका है। इसमें थोड़े बहुत जो लम्स है वो हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर देंगे। तो मैं इसे अब स्ट्रेन कर देती हूँ। देखिए ये हो चुका है। अब दूसरा एक बोल लूंगी मैं, उसमें भी मैंने आधा ग्लास पानी ऐड किया है और उसमें मैं अब चाइना ग्रास का पाउडर जो कि पिस्ता फ्लेवर का है वो मैं उसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। जब वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे भी हम बॉईल करेंगे जब तक कि ये मिक्सचर थिक ना हो जाए। आप देख सकते हैं ये भी थिक हो चुका है। मैंने दूध को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब एक बोल में मैं अपना सादा वाला चाइना ग्रास ऐड कर दूंगी और इसे ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही ये मिक्स हो जाए तो इसे हम साइड में रख देंगे। अब दूसरे बॉल में चाइना ग्रास ऐड कर दूंगी। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये मिक्स हो चुका है।
मैंने चाइना ग्रास के मिक्सचर को एक बोल में निकाल लिया है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे काजू से गार्निश कर दूंगी और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। एक घंटा हो चुका है, मेरा चाइना ग्रास रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।